See, what practical based on balance sheet, right? A balance sheet preparation, beta. So from the following trial balance of Vishal Limited, company name is Vishal Limited, prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2017 as per the Companies Act. Okay, advance diya, pehla advance to employees hai. Advance diya to apne liye asset ho gaya na ek tarah se. Barbar hai, advance matlab ye kya ho gaya? Yes, short term loans advances type ho gaya. Barbar hai, agar advance diya hai, so this is what short term loans and advances. तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया, लोन्स एंड एडवांस क्योंकि करंट असेट में आता है, आपको पता ही है कैश एट बैंक आपका करंट असेट है. करंट असेट में किसमें आता है कैश एट बैंक? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. फर्नीचर एंड फिक्स्चर, फर्नीचर एंड फिक्स्चर फिक्स असेट है. प्रीमाइसेस भी फिक्स असेट है बेटा. पेटेंट्स भी आपका फिक्स असेट में इनटेंजिबल, बाकी प्रीमाइसेस और फर्नीचर ये सब टेंजिबल असेट्स है. देन एक्सपेंसेस और इश्यू ऑफ शेयर्स अनरिटन ऑफ, मतलब रिटर्न ऑफ नहीं है. तो दिस इज वॉट अदर नॉन करेंट असेट्स. देखो फॉर्मेट के टाइम पे बताया था मैंने, ये अदर नॉन करेंट असेट है. कोई एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ हुआ, दैट इज वॉट अदर नॉन करेंट असेट्स. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या है बेटा? ये तो ट्रेड रिसीवेबल ही होगा करेंट असेट. बराबर है क्या बेटा? वो करेंट असेट्स. फिर आपको क्या दिया है? एडवांस टैक्स. भाई एडवांस में टैक्स भर दिया आपने, एडवांस टैक्स है, तो ये भी करंट असेट हो गया. करंट असेट में किसमें आ जाएगा? ये अदर करंट असेट. करंट असेट में अदर करंट असेट. गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है. स्टॉक इन ट्रेड आपका किधर आता है बेटा? करंट असेट में. कहाँ आएगा करंट असेट में? इन्वेंट्रीज, सिंपल आइटम. फिर क्रेडिट बैलेंस में आपको शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल हो गया. कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस है. लोन लिया आपने एसबीआई से, तो ये बैंक लोन हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. बैंक लोन किधर आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए आप फंड, नॉर्मल सी बात है, प्रोविजन कर रहे हो फंड का, तो दिस इज व्हाट? लॉन्ग टर्म प्रोविजन. ये सब प्रोविजन क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन. ठीक है, दिस इज व्हाट बेटा? योर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, याद रखना. प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म हो गया. बराबर है. एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड होगा तो लॉन्ग टर्म, और नॉर्मल एक्सपेंस का प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म. ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन. देन शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया, एसटीबी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. फिर क्या बोलता है? अनपेड डिविडेंड, अनपेड है. बराबर है. अनपेड डिविडेंड मतलब करंट लायबिलिटी हो गया ना बेटा, तो करंट में किधर आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस. बिल्स पेबल क्रेडिटर्स, ये दोनों अपना क्या है? करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी में आपका है ट्रेड पेबल्स. ठीक है, ये सब एक फटाफट अपना रिव्यू था नॉर्मल. अब इसी के बेसिस पे अपने को क्या करना है बेटा? यस, बैलेंस शीट बनाना है कंपनियां, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट एज पर व्हाट? पार्ट वन शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो ये सब डेटा है, तो चलो लेट्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट. जो जो आइटम्स है आपका वो सारे बैलेंस शीट में आएंगे. बराबर है. और नोट्स टू अकाउंट किसके लिए बनाने का? जिस आइटम से रिलेटेड टू और मोर देन टू आइटम्स रहेगा उसके ऊपर आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है. बट एक चीज याद रखना, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो आइटम ऐसा है जिसके लिए नोट्स टू अकाउंट आपको बनाना ही है, कंपलसरी बनाओ. बाकी किसी का अगर टू और मोर देन टू आइटम रहेगा उस हेड से रिलेटेड तो बनाओ, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हो. तो देखो मेरे साथ सॉल्व करो, बताता हूं. आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. चलो, सो फर्स्ट वी विल मेक अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस. सो फॉर सॉल्विंग द सम, फॉर सॉल्विंग द सम डायरेक्टली एट द टॉप, कंपनी नेम विशाल लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017. एग्जाम में जो भी ईयर रहे वो दिखा देने का, 20 रहेगा तो 20, 21 रहेगा तो 21, व्हाटएवर इट विल बी. द नंबर पर्टिकुलर, नोट नंबर और रुपीज. चलो, तो सबसे पहले आएगा फॉर्मेट, अपना फॉलो करो जो बताया मैंने. सो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट वन इज व्हाट? इक्विटी एंड व्हाट? लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्या आ जाएगा बेटा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड.
शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल। ये पूरा फॉर्मेट है जो बताया लास्ट लेक्चर में, वही फॉलो करना बेटा। शेयर कैपिटल के लिए नोट टू अकाउंट बनाना फिक्स है, कंपलसरी। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भी नोट्स टू अकाउंट बनाना है। ये दो आइटम ऐसे ना बेटा जिसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट, चाहे सिंगल आइटम ही क्यों ना रहे, बना देने। बाकी सबके लिए टू और मोर देन टू अगर उससे रिलेटेड है आइटम्स तो ही बनाना, अदरवाइज नहीं। बट ये दो के लिए बना देने का फिक्स। चलो, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। सेकेंड आ जाओ, सेकेंड वन इज व्हाट? नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मेरे प्यारे बच्चों, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटीज में एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है, और सिंगल सिंगल आइटम। तो इसके लिए नोट्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते। पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जस्ट अभी आपने क्वेश्चन देखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है, वो लोन फ्रॉम SBI है ना, ये देखो एक ही है। तो क्वेश्चन देखा आपने, लोन फ्रॉम SBI, यही आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। और प्रोविजन में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में वेलफेयर, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड, ये दो है। मतलब एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो आ जाओ, अमाउंट 8 लाख और 6 लाख, तो दिखा देते। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपका क्या है? लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम SBI। चलो, SBI से जो लोन लिया वो कितना बड़ा? 8 लाख। फिर सेकेंड है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद क्या बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आपका? एम्प्लॉइज वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, एम्प्लॉय वेलफेयर वाला प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज वेलफेयर, वो कितना है अपना? 6 लाख। ठीक है, बराबर। चलो, ये भी हो गया। अब नॉन करेंट लायबिलिटी में तो कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट आ जाएगा अपना फॉर्मेट के हिसाब से। ये एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब यहाँ प्रोविजन जो था ना अपना, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। ठीक है, ये तो पूरा लिख देना, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। चलो, अब आ जाएगा करेंट लायबिलिटी। क्या बेटा? करेंट लायबिलिटीज। चलो, अभी करेंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या है बेटा? करेंट लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट करंट लायबिलिटीज में है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, है ना? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो बैंक्स, शॉर्ट टर्म लोन लिया है आपने बैंक से, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। देखो, ये इट इज गिवन, देख रहा है, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, बराबर है? तो ये भी अकेला आइटम है, और तो कुछ है नहीं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, तो डायरेक्ट लिख लेना, बराबर है? चलो, तो कितना है? 4,90,200। So, क्या है बेटा? ये लोन फ्रॉम, हाँ, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो शॉर्ट टर्म है, याद रख, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। अब बैंक लोन भी लिखा तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में ही लिख रहे हो ना, तो बैंक लोन आपका शॉर्ट टर्म पीरियड का ही है, सिंपल सा फंडा। चलो, कितना अमाउंट था? 4,90,200। तो डायरेक्ट सिंगल है बस। चलो, नेक्स्ट बी फॉर्मेट देखो, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो देखते हैं दोनों में से क्या दिया है, शायद दोनों दिया था अपने को। यस इट इज, बिल्स पेबल भी है और क्रेडिटर्स भी है, दो आइटम है। तो मैंने क्या बोला, टू और मोर देन टू आइटम हो गया अगर उस हेडिंग से रिलेटेड, या उस सब हेडिंग से रिलेटेड टू और मोर देन टू हो गया, तो नोट्स टू अकाउंट बना देने का। तो इसके लिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए नोट नंबर हो जाएगा अपना 1, 2 हो गया, ये थर्ड नंबर, नोट नंबर 3, बराबर है? चलो, उसके बाद आपका ट्रेड पेबल्स के बाद नेक्स्ट आ जाएगा अदर करेंट लायबिलिटीज आता है। फॉर्मेट के हिसाब से जाओ, फिर क्या आता है? अदर
करेंट लाइबिलिटीज। मेरे प्यारे बच्चों, अदर करेंट लाइबिलिटीज में आपके पास क्या था? एक ही सिंगल आइटम था। क्वेश्चन देखा आपने, कौन सा था अदर करेंट लाइबिलिटीज में आपका? हाँ, अनपेड डिविडेंड, अकेला ही आइटम था अनपेड डिविडेंड। ठीक है, तो अनपेड डिविडेंड है, दिखा दो 64,800 सिंगल है। फिर अदर करेंट लाइबिलिटीज के बाद क्या आता है लास्ट में, फोर्थ वाला, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी सिर्फ एक ही है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, दैट्स इट। तो चलो, अदर करेंट लाइबिलिटीज में आपके पास है अनपेड डिविडेंड, अकेला आइटम है, तो डायरेक्टली दिखा दिया। अनपेड डिविडेंड कितना है बेटा? 64,800। अनपेड डिविडेंड इज व्हाट? 64,800। फिर डी आपका हो जाएगा क्या बेटा? डी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वो भी सिंगल आइटम है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर व्हाट बेटा? एक्सपेंसेस। चलो, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस वो भी डायरेक्टली या डायरेक्टली दिया था बेटा 1,64,000, दैट्स इट। और तो कुछ है नहीं, बस टोटल आ जाएगा फिर। तो टोटल अभी करना नहीं है फिलहाल, क्योंकि अपने पास इसका अमाउंट बाकी है, फिर इधर बाकी है, इधर बाकी है, तो टोटल तो कर ही नहीं सकते। चलो, फिर ये आपका लाइबिलिटी साइड हो गया, अभी असेट साइड में आ जाओ। तो फॉर्मेट कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा मैं, फॉर्मेट अपना कंटिन्यू रहेगा, दैट इज अमाउंट, नोट नंबर, नंबर एंड पर्टिकुलर्स। ठीक है, चलो, अभी टोटल नहीं मारना बेटा इसका टोटल, क्योंकि अभी अपने पास नोट नंबर 1 से अमाउंट आएगा, 2 से आएगा, उसके बाद ही टोटल आएगा ना, सब अमाउंट फिल होगा उसके बाद ही टोटल करना। चलो, नेक्स्ट अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज डन। नाउ आफ्टर दैट रोमन 2 क्या रहेगा अपना? असेट्स। अब असेट स्टार्ट होगा, चलो। अब असेट्स में भी सबसे पहला क्या रहेगा बेटा? नॉन करेंट असेट, वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? नॉन करेंट, व्हाट? नॉन करेंट असेट्स। अब बच्चों, नॉन करेंट असेट में पहला क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हाट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाओ। इसको आप फिक्स असेट करके बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी आपका क्या रहेगा? टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल विच कैन बी सीन एंड टच, एंड इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। इनटेंजिबल, देखो बच्चों, अभी इनटेंजिबल असेट में तो एक ही आइटम है, वो भी अपना कौन सा था? पेटेंट्स था ना। देखो, इनटेंजिबल असेट डेबिट बैलेंस में देखो असेट्स का, इनटेंजिबल में पेटेंट्स है सिर्फ, और टेंजिबल में आपके पास प्रीमाइसेस भी है, फर्नीचर भी है। देखो, टू आइटम्स हो गया, टू और मोर देन टू आ गया तो नोट्स टू अकाउंट, तो टेंजिबल के लिए तो नोट्स टू अकाउंट बन जाएगा, और इनटेंजिबल में पेटेंट्स तो अकेला आइटम है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप। पेटेंट्स कितना है? 10 लाख, और टेंजिबल असेट्स का हम लोग नोट्स टू अकाउंट बना देंगे। नोट्स टू अकाउंट नंबर क्या होगा? 3 हो गया ना, अभी ये नोट्स टू अकाउंट नंबर हो जाएगा टेंजिबल असेट्स के लिए 4। ठीक है, सो नॉन करंट असेट हो गया, ए हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी बी आ जाऊं, बी आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया बेटा, इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं अपने पास, ठीक है, बराबर। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कुछ भी दिया नहीं है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, एडवांसेस टू एम्प्लॉइज, दैट इज शॉर्ट टर्म वाला,
एडवांसेस टू एम्प्लॉयज होगा मतलब शॉर्ट टर्म, कुछ नहीं बोला है। और बचा क्या फिर, वही अपना एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, वो क्या होता है अदर नॉन करेंट एसेट। एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ क्या हो गया बेटा, अदर नॉन करेंट असेट्स, क्या बेटा अदर नॉन करेंट असेट्स, ये देख रहे हो एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ। ये भी अकेला आइटम है तो चाहिए तो आप डायरेक्ट इधर ही दिखा दो, अदर नॉन करेंट असेट्स कौन सा आइटम था, यस एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स नॉट रिटन ऑफ। नॉट रिटन ऑफ ठीक है, so the amount is what, yes 25,000। चलो ये भी हो गया, बचा गया अभी लास्ट में अपना करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स सब डन। अब आ गया अपना करंट असेट्स। चलो करंट असेट्स में सबसे पहला, करंट असेट में सबसे पहला क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट है क्या अपने पास? अच्छा अच्छा एक मिनट, अपने पास इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट है यार 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो देखो 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ये किधर आएगा इन्वेस्टमेंट, ये देखो ये इधर आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट के ऊपर, ठीक है अदर नॉन करंट एसेट के ऊपर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट है याद रखो। बट चलो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो मैं इधर दिखा देता हूं, ये हफ्ते को ऐड करना पड़ेगा या तो चलो आ जाओ इधर, हम वो मिस हो गया तो ऐड कर देते हैं इसको, क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, ये शॉर्ट टर्म का हो गया, शॉर्ट टर्म नेचर ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म का हो गया तो क्या कौन सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, करंट, करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट टर्म का हो गया तो दिस इज व्हाट करंट इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपका किधर आता बेटा, नॉर्मली यहां बराबर है इधर आता, ए हो गया ना, बी क्या होता अपना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो उसमें दिखाते हैं आपका याद रखना ठीक है। चलो दिखाई देता हूं फिर, जाने दो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे दिया नहीं था ना क्वेश्चन में तो मैं शो कर देता हूं, थोड़ा रबी तो करना पड़ेगा, वो एक आइटम मिस हो गया ना अपने से। चलो तो आई थिंक मैं इधर बीच में शो कर देता हूं, चल यहां शो कर देता हूं। सुनो सबसे पहली बात ये याद रखना, अगर सिर्फ 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो ये नॉर्मली क्या होगा, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बोला है तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आप एज्यूम कर सकते हो करेंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके लिए नोट्स दिखाना पड़ेगा आपको। नॉर्मली कुछ मेंशन नहीं किया है तो वो अपना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है याद रखो ठीक है। चलो तो हम उसको दिखा देते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा सी आइटम, इधर थोड़ा मैं बी इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह है, नॉन करंट, और अगर जिसको करंट इन्वेस्टमेंट लेना है तो नोट्स दिखा देना वो कि 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज टू बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, समझ गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, सो एज्यूम्ड एज शॉर्ट टर्म नेचर का है वो बराबर है, अदरवाइज कुछ नहीं बोला है तो आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ही लेना है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, सो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इसलिए इधर कर रहा हूं मैं, नहीं तो मैं वो एज्यूम करके नोट दिखा के करेंट इन्वेस्टमेंट ले सकता था, बट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो आप नॉर्मली नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ही लो, नॉन करेंट, सो 8% ये अपना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कौन सा बेटा, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ठीक है। चलो 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, अमाउंट इज व्हाट, उसका अमाउंट कितना था, 3,36,000 था ना, 3,36,000, चलो दैट्स इट बराबर है। तो ये करते करते ये एक आइटम अपना मिस हो गया था,
कोई बात नहीं, और अगर ऐसा कुछ हो भी गया जगह नहीं है तो उसको एज्यूम कर लेना करंट इन्वेस्टमेंट, एज्यूम करके नोट डाल देना बस, राइट। नॉर्मली कुछ नहीं बोला है तो नॉन करंट ही लेते, याद रखो। हाँ, लेकिन अगर इधर लिखा रहता ना क्वेश्चन में, ऐसा लिखा रहता 8% गवर्नमेंट बॉन्ड के इधर साइड में ब्रैकेट में लिखा रहता शॉर्ट टर्म, तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट जिधर हम लिखने जा रहे थे वहां लिख, शॉर्ट टर्म होता तो करंट इन्वेस्टमेंट होता, बट लिखा नहीं है इसलिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमने ले ली, ठीक है। चलो तो अब आ जाओ करंट असेट से अपना स्टार्ट करना था बेटा। करंट असेट में अभी सबसे पहला आइटम होगा करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड अपना क्या हो गया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने लिया है। चलो फिर सेकेंड आइटम होगा, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आता है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब क्या, स्टॉक ऑफ गुड्स। इन्वेंट्रीज है क्या अपने पास, जरा देख लेते हैं। इन्वेंट्रीज स्टॉक, यस इट इज, अकेला ही है, सो डायरेक्ट लिख दो स्टॉक इन ट्रेड 355,600, स्टॉक इन ट्रेड सिंगल आइटम है, स्टॉक इन ट्रेड हाउ मच इट इज 355,600, 355,600। चलो इन्वेंट्रीज के बाद नेक्स्ट आइटम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब क्या अपने ट्रेड रिसीवेबल्स है। चलो सो ट्रेड रिसीवेबल में अपने पास क्या है, देखो बेटा ट्रेड रिसीवेबल में आपके पास, अच्छा डायरेक्टली दिया है अब तो कोई टेंशन ही नहीं, नोट्स को अकाउंट बनाने का कोई इशू नहीं, 366,240, 366,240 ट्रेड रिसीवेबल। चलो फिर सी आपका क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस, वो है क्या, तो देखो किधर, यस कैश एट बैंक है और तो कुछ है नहीं, कैश एट बैंक 314,320, अकेला है सिंगल आइटम डायरेक्ट 314,320। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका कैश एट बैंक है कितना, 314,320, 314,320। चलो उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कौन सा है बेटा, वो भी सिंगल आइटम था, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में देखो क्या है अपना, एडवांसेस टू एम्प्लॉइज 3 लाख, तो एडवांसेस टू एम्प्लॉइज दैट इज 3 लाख, बराबर है। फिर फाइनली फाइनली अपना क्या, अदर करंट असेट, अदर करंट असेट में आपके पास क्या था, वो एडवांस टैक्स, जो एडवांस में टैक्स भरा है आपने, एडवांस टैक्स आपका क्या हो गया, एक तरह से प्रीपेड टाइप हो गया, राइट। तो एडवांस में टैक्स भर दिया मतलब वो अदर करंट असेट्स, एडवांस एडवांस टैक्स, और वो कितना है अपना 50,000, बस हो गया और तो कुछ है नहीं, बस टोटल करो अभी असेट्स का भी, टोटल असेट्स और लाइब्रेटीज का टोटल टैली होना चाहिए, लाइब्रेटीज और असेट्स। तो अभी असेट्स में भी एक नोट्स को अकाउंट अपने को बनाना है इधर, तो ये अमाउंट आप इधर पुट कर सकते हो। तो चलो ये अपना पूरा बैलेंस शीट अरेंज हो गया पूरा क्वेश्चन के हिसाब से, अब नोट्स टू अकाउंट आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स। चलो
सो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला नंबर, इधर नोट्स टू अकाउंट्स, इधर हो गया रुपीस, नंबर नोट्स टू अकाउंट्स एंड रुपीस, ठीक है। चलो तो सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट किसके लिए बनाना बेटा आपने को, शेयर कैपिटल, फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट है शेयर कैपिटल, तो आ जाओ फर्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कौन सा शेयर कैपिटल है, वो इक्विटी, नॉर्मल सी बात है, विदाउट इक्विटी कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट, सो इक्विटी शेयर कैपिटल, देख सकते हो आप इधर, देख रहे हो शेयर कैपिटल में कौन सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। आ जाओ इक्विटी शेयर कैपिटल है 52 लाख, तो अब आ जाओ इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा, सो इसमें दिखाना आप इक्विटी शेयर कैपिटल में भी पहला हो जाएगा ऑथराइज्ड, फर्स्ट वन इज व्हाट, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये फॉर्मेट है याद रखो। अब ऑथराइज्ड कैपिटल तो आपको कुछ दिया नहीं है, इसलिए डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस, इसका फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू नहीं दिया है, तो एज्यूम कर लेते 10 रुपीज है ऑफ 10 ईच, बट अमाउंट तो कुछ है ही नहीं, तो इधर भी डैश डैश आ जाएगा, बस खत्म, दिखाना है शो करना है। फिर ऑथराइज के बाद क्या आएगा, ऑथराइज के बाद दिखाएगा इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, मतलब इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। चलो अब वो देखो कितना है अपना इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, कितना दिया है 52 लाख, हम एज्यूम कर रहे हैं इधर फेस वैल्यू क्या है उसकी, एक शेयर की फेस वैल्यू 10, ऐसा एज्यूम कर रहा है, एजम्पशन है, तो 52 लाख मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, 5,20,000, तो आ जाओ तो इधर दिखा देने का 5,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच, दैट इज 52 लाख, बस ऐसा प्रेजेंट कर दो, और इक्विटी शेयर का वैल्यू आपने एज्यूम किया है, वन शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज, ठीक है, याद रखना एजम्पशन, चाहे तो नोट में दिखा देने का, राइट है, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू कितना एज्यूम किया आपने, यस 10 रुपीज ईच, चलो हो गया, तो 52 लाख आ गया, बस इधर शो कर दो, सो पहला अमाउंट आपको आ गया फर्स्ट नोट का 52 लाख। चलो सेकेंड नोट टू अकाउंट बनाना आपने को रिजर्व एंड सरप्लस का, सेकेंड नोट्स टू अकाउंट है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बच्चा अभी रिजर्व एंड सरप्लस में है क्या अपने पास, देखो दो आइटम्स थे अपने पास, टू आइटम्स वर देयर, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए सिंगल भी रहेगा, तो मैंने बोला है ना शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट बना देने का। देखो कैपिटल रिजर्व है और कौन सा अपना प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंस, ये दो आइटम है, कैपिटल रिजर्व 60,000, पीएनएल का बैलेंस है 42,980। आ जाओ सो उसमें आपका पहला है कैपिटल रिजर्व, बराबर है, कैपिटल रिजर्व कितना है बेटा 60,000 है, और सेकंड क्या है अपना पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, सो पीएनएल क्रेडिट बैलेंस इज व्हाट 42,980, दैट्स इट, बस टोटल कर लो इसका, यही दो आइटम है, सो टोटल किया तो कितना आ रहा है 60 + 42, 1,02,980, बस नोट्स, नोट नंबर टू के सामने दिखा दो कितना 1,02,980, 1,02,980। चलो लाइबिलिटी इसका सब हो गया,
लाइब्रेरीज का भी टोटल मारो जरा बताओ कितना आ रहा है, लाइब्रेरीज का पूरा टोटल कितना आ रहा है, कितना 76,07,100 ओके 76,07,100 ठीक है। इसका मतलब असेट का भी इतना ही आना चाहिए 76,07,100 ये असेट्स का भी होना चाहिए बेटा, असेट्स एंड लायबिलिटीज शुड टैली बराबर। सो टोटल एक बार अच्छे से कर रहे ना आप सब लोग, 52,01,02,980 प्लस 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 49,200 प्लस, अच्छा एक नोट्स टू अकाउंट और बाकी है तो ये बेटा 76,07,000 अच्छा ट्रेड पेपर डालने के बाद आया था ओके ओके चलो ठीक है। तो एक नोट्स टू अकाउंट अपना ये थर्ड वाला ट्रेड पेबल्स कर लिया ओके। चलो फिर थर्ड वाला नोट्स टू अकाउंट बना लो ट्रेड पेबल्स, वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेल डन। सो ट्रेड पेबल में क्या है बेटा, अपने पास दो आइटम्स हैं, एक तो अपना क्या है बेटा क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल यस, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने को क्वेश्चन में कितना दिया था 1,20,000 बराबर है, क्रेडिटर्स 1 लाख था 1,20,000 था और बिल्स पेबल कितना है 85,100। चलो तो टोटल कर लो इसका कितना हो गया, सिंपल 185,120 दैट्स इट, बस ये दिखा देना 185,120 दैट्स इट बराबर है 185,120 ये भी आ गया 64,800 164 सो अब आएगा बराबर आ रहा है रेमिटेंस वेरी गुड ठीक है। चलो तो ये अमाउंट बता देने का ना ट्रेड पेबल बाकी था उन्होंने पूरा टोटल मार लिया था ओके चल वेरी गुड आ जाओ। तो लाइब्रेरी का टोटल आ रहा है 76,07,100 तो असेट्स का भी वही रहेगा 76,07,100 सेम होना चाहिए, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए नॉर्मल सी बात है। अभी असेट्स में कौन सा नोट्स बनाना है अपने को, सिर्फ एक ही नोट्स है नोट नंबर 4 तो आ जाओ नोट नंबर 4 फॉर्मेट छोटा सा फॉर्मेट एक ही बनाना है अपने को। चलो नोट नंबर 4 कौन सा है वो टेंजिबल असेट्स, नोट नंबर 4 इज फॉर व्हाट बेटा टेंजिबल असेट्स। तो चलो टेंजिबल असेट्स में क्या है अपने पास, प्रीमाइसेस था देखो इधर एक तो प्रीमाइसेस है अपने पास यू कैन सी हियर प्रीमाइसेस 41,09,940 और आपका क्या है फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स है 7,50,000 ठीक है। चलो तो पहला हो गया प्रीमाइसेस 41,09,940 और फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स है आपका 7,50,000। चलो टोटल कर लो कितना आ गया टोटल, इसका टोटल 48,59,940 बराबर दैट्स इट, बस इधर दिखा दो टेंजिबल असेट में नोट नंबर 4 48,59,940 दैट्स इट। अब ये बैलेंस शीट आपका टैली होना चाहिए तो देख लो लायबिलिटीज और असेट मस्ट गेट टैलीड ओके बराबर। तो ऐसे ही आपको पूरा फॉर्मेट के हिसाब से अरेंज करना, तो फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखो, फॉर्मेट आपका एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए जो लास्ट लेक्चर में बताया मैंने ठीक है, उसी के बेसिस पे अरेंज करना। और नोट्स टू अकाउंट इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस के लिए तो फिक्स बनाना है चाहे बोले या ना बोले वो बनाना ही है,
बाकी सबके लिए अगर टू और मोर देन टू आइटम्स है तो नोट्स को अकाउंट दिखा देगा, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना बैलेंस शीट, राइट है, जो अपना कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से है, दैट्स इट। बट एट